शहर के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IFTM विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे, कुल सचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही हवा में गुब्बारे उड़ाकर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा मार्च पास की सलामी ली गई, जिन्हें अतिथियों द्वारा देखकर सराहना की गई। इस दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करने के साथ सभी प्रतियोगिताओं के लिए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा गया कि खेलों के क्षेत्र में विद्यार्थी आगे बढ़ें। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय में हर वर्ष खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होती है, जिसमें सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप आने वाले समय में रोजगार का जरिया भी बना सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सौर्य 2024 स्टूडेंट वर्जन की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आज लंबे इंतजार के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम छात्र वर्जन का सौर्य 5 दिवसीय ये प्रोग्राम मनाने के लिए विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। धूप अधिक है, छात्र छात्राओं की उत्सुकता भी अधिक है। हमारे ख्याल से सभी छात्र छात्राएं बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं कि कब और किस समय खेल प्रारंभ हो। आज जैसा कि इस कोर्स के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर त्रिवेदी जी ने बताया भी कि सब मिला के 8 टीमें हमारी पार्टिसिपेट कर रही हैं, 13 स्कूल हैं। डिपार्टमेंट अलग हो सकते हैं, स्कूल हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन बैनर एक ही है, IFTM विश्वविद्यालय। IFTM विश्वविद्यालय के बैनर तले आज हम सब लोग यह प्रतियोगिता सौर 2024 का आगाज करने जा रहे हैं। आप सभी से अपेक्षाएं हैं। मैंने कहा डिपार्टमेंट अलग है, स्कूल अलग है, लेकिन बैनर एक IFTM विश्वविद्यालय है। आप सभी IFTM विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं हैं। सब लोग मिल करके एक परिवार की तरह खेलेंगे। खेलते समय यह भी ध्यान रखेंगे, जैसा कि कुल सचिव साहब ने बताया कि जीत एक ही होती है, लेकिन जीत IFTM की होगी। यह मानते हुए सब आत्मसात करें उन चीजों को, मन में किसी प्रकार का मन मुटाव ना हो। सब एक परिवार की तरह हैं, भाईचारे की तरह हैं। खेलें, खूब खेलें। जब खेलने का अवसर हो, जब समय खेलने का मिले, ऐसा नहीं है, खेल में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल ने कहा कि सभी खिलाड़ी खेल भावना और एकता के साथ खेलों को खेलें और ये बात ध्यान रखें कि जीत विश्वविद्यालय की होगी। आप सब एक अच्छा संदेश देने का कार्य करें और अपने खेलों में और बेहतर करने का प्रयास करें। के लिए सौर्य 24 का उद्घाटन इनॉग्रेशन हो रहा है, एक तरीके से आप लोगों के लिए इनॉग्रेशन है। और मैं समझता हूँ जैसे टीचर्स का या फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ का जो मैचेस हुए उसमें भी एक थ्रिल था, इसमें बच्चों और ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बेसिकली स्पोर्ट्स फिजिकल फिटनेस तो देते ही हैं, साथ ही दीज आर बेस्ट कैरियर ऑप्शंस। ये आपको कैरियर के लिए भी मदद करता है, इसमें आप कैरियर भी बना सकते हैं। तो हम सभी खेल भावना से इसको खेलेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आप ये सीखेंगे कि टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, जो हमारी जीत होगी उसको हम सेलिब्रेट करेंगे और साथ ही साथ वी विल एक्सेप्ट द डिफीट विद ग्लोरी, डिफीट को भी हम एक्सेप्ट करेंगे और साथ ही साथ ट्रेन टीम स्पिरिट। आज का समय कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन का है, विन विन स्पिरिट इज रिक्वायर्ड आपके कैरियर बनाने के लिए। वैसे भी मतलब विन विन का होता है, तो विक्ट्री
एक्चुअली हार या जीत नहीं है, आपको सक्सेस मिली क्यों मिली और आपको फेलियर मिली तो उससे भी आपको पता चलता है कि आपने को फेलियर क्यों हुई, नेक्स्ट टाइम यू विल विन। IFTM विश्वविद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी प्रोफेसर वैभव त्रिवेदी ने कहा कि हर वर्ष ये वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होती है जिसमें विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेस के लगभग 1000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेते हैं। 28 मार्च से शुरू होकर खेलकूद प्रतियोगिता 2 अप्रैल को संपन्न होगी जहां सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आज वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का दूसरा वर्जन जिसका नाम शौर्य 2024 और स्टूडेंट वर्जन है उसके हम लोगों ने आज रंगारंग आगाज किया है, उसकी आज हम लोगों ने शुरुआत करी है। 2011 में हम लोगों ने इसको शुरुआत करी और 2019 में हमने इसका 18 में इसका नाम हमने शौर्य दिया। आज ये 10वां संस्करण शौर्य 2024 हम लोगों के बीच है। अभी हम लोगों ने 5 दिवसीय फैकल्टी मेंबर्स के लिए जो शौर्य कराया वो होली से पूर्व 5 दिन में वो ख़त्म हुआ। 225 फैकल्टी मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अब जो स्टूडेंट्स का वर्जन है उसमें करीब करीब 1000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें वॉलेंटियर्स भी हैं और फैकल्टी मेंबर्स के अलावा स्टूडेंट्स भी हैं, तो अगर टोटल इनको हम जोड़ लें तो ये 1200-1250 लोगों का पार्टिसिपेशन होता। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर हर साल हर वर्ष इस शौर्य को रंगारंग तरीके से शुरुआत करते हैं और 5 दिवसीय खेल में एक टीम एफर्ट के साथ, टीम वर्क के साथ इस प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतियोगिता में एकजुट होकर खेलते हैं।